तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में। इंडियन बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी हमको स्टॉक में अगेन यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.63% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 415 का पैरा यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया था, इसके बाद हमें स्टॉक गिरावट देखने को मिली थी और अभी स्टॉक अगेन सेम लेवल पर आकर यहाँ पर खड़ा है। अगर यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी बड़ी बैंक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 440, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 465 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 480 और 500 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप का रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक इस लेवल को यहाँ ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर यहाँ से हमको स्टॉक में एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा और अगर स्टॉक ने यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ से स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 394 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 381 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन हमको यहाँ से स्टॉक में 359 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।